जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो, आप सबके स्वागत है सारिका सी जी व्लॉग में। तो संगवारी हो, कैसे हो आप मन सब? स्वस्थ हो, मस्त हो ना? आशा करत हूँ आप मन स्वस्थ हो, मस्त हो और मैं भी स्वस्थ हो, मस्त हो। और दोनों को ही हमन अभी एकदम मस्त अच्छा जगह में लेने वाला है आप मल्ला। तो व्लॉग वीडियो में लास्ट तक बने रहो संगवारी हो। तो हमन बहुत दूर के सफ़र तय करे के बाद पहुँच गए हैं फाइनली ये जगह में। अगर ये भाषा आप मल्ला समझ आते ही तो कमेंट करके बताना कि कौन सा भाषा है, मतलब कौन सा लैंग्वेज में लिखा है। और वहाँ जाए से पहले हमारा टिकट खरीदना पड़े, तो चलो टिकट खरीद लेता है। वो संगवारी अभी भेड़ द्वारी का जाए पर हम टिकट खरीद चुके हैं ना। एक तो टिकट 40 रुपये पड़ी आप माला, टिकट काउंटर है। तो अभी चलता है, चलो आप माला अभी ले चुके हमें यहाँ भेड़ द्वारी का। संगवारी हो, ए बोट के आए जाए के दोनों के 40 रुपये है, कबर की मल्ला आना भी बोट से है, जाना भी बोट से ही है। तो चलो चलथन संगवारी हो, हमला ए छोर से ओ छोर जाना है और जाए में आधा घंटा लगभग लग जाते। एकदम स्पीड में नहीं चलाए बोट ला, थोड़ा कम स्पीड में ही चलाते, कबर की बहुत जन मन हाँ ईच में सवार करते। कुछ भी साधन नहीं होती जाए के, ओवरब्रिज ओ साइड बना थे बहुत बड़े, लेकिन अभी तो फिलहाल वो बन के तैयार नहीं हुए, तो ई में आना जाना करते। और उती गाँव भी है ओ साइड, तो ओ साइड वाला मन नाव में ही आना जाना करते। तो यहाँ नाव के सहारा से ही आते जाते, मतलब बोट के सहारा से, बड़े वाला बोट के सहारे से। देख सकते हो अपन कितना खूबसूरत नज़ारा है। और मोर ख्याल से शायद हवा तूफान आ तो ही था, ये सब बंद हो जाते, कबर की ओ पार के वाला मन एक पार नहीं आ सके और एक पार के वाला मन ओ पार नहीं जा सके, जैसे कि हवा तूफान आते था, जैसे कि अभी गुजरात में आ रही थी आप मतलब पता हो ही। तो संगवारी हो, देख सकते हो मैं कितना खुश हूँ। और मैं बोला था कि ओ साइड हमला जाना है और थोड़ा सा टाइम लगी से जाए बार, लेकिन बहुत मज़ा भी इसे और धूप भी बहुत रही से, एकदम गर्मी लगत रही से, लेकिन हमला जाना है ओ साइड। तो फिर चलो पहुँच गए हम। संगवारी हो, सब जन उतरा थे यहाँ पे जाए बार द्वारिका, भेड़ द्वारिका में। चलो मंदिर में चलता नाम। संगवारी हो, हमारे भेड़ द्वारी का चाय पर पहुँच गया ना अभी, और अभी रास्ता में हम पहुँचने वाला थोड़ा दूर में है ना, टापू है पूरा, बहुत सारा गांव भी बसे हुए, मतलब एक गांव ही है समझ जा नहीं। तो थोड़ा दूर चले के बाद हम अपन मंजिल में पहुँचने वाले हैं। और संगवारी हो, ये वही जगह है जहाँ पे इतना दूर सुदामा जी चल के कृष्ण भगवान से मिले ला रही से भेड़ द्वारिका। तो संगवारी हो, बहुत दूर चले के बाद फाइनली मंदिर पहुँच चुके हैं भेड़ द्वारिका के। तो चलो अंदर जाता है, और शायद यहाँ भी ना मोबाइल अलाउड नहीं है शायद। तो संगवारी हो, मुझे पता नहीं कि मैं दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँ मल्ला, लेकिन वीडियो में अपन बने रहो। तो संगवारी हो, मल्ला यहाँ बहुत अच्छा से दर्शन हुई से, श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी के यहीं मिलन हो रही से, जब सुदामा मिले बरारी कृष्ण भगवान अपन मित्र से। तो और बोले जाते कि अपन द्वारिका आओ कृष्ण भगवान के दर्शन करे पर, तो यहाँ जब तक नहीं आऊँ तब तक यात्रा सफल नहीं है। तो यहाँ अंता मल्ला बहुत अच्छा लगी से, और यहाँ के पंडित जी पूरा विस्तार से कहानी भी बताई से यहाँ का हो है। और अभी जाबो गोल्डन टेम्पल का, मतलब सोना के मंदिर का बोल थेला, श्री गोल्डन टेम्पल हरे सोने की द्वारिका। तो चलो अभी अंदर चलथन। हो, हम अभी प्रवेश कर चुके हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर। सोने सोने का फील हो रहा है एकदम, सोना महल टाइप है ना, गोल्डन गोल्डन। और इतना सारा मूर्ति बने, पूरा हर तरह मूर्ति है, वे जन्म से लेकर ना अंत काल तक बने। एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे गोल्डन टेम्पल में। और यहाँ पे जो नज़ारा है ना, बाकी जगह से भी अद्भुत बनाया गया है। बाकी जगह मंदिर वंदिर मिले, यहाँ पे मंदिर के साथ साथ कृष्ण भगवान के पूरे जीवन के पूरे सार दिखे गए, मतलब पूरा कहानी बताई गई है। चलो ये रहा एंट्री, यह रहा एंट्री पे विष्णु जी विश्राम करते हुए भव्य रूप से बनाया गया है शेषनाग। हाँ, गोल्डन टेम्पल में पूरा जबरदस्त तरीके से कृष्ण भगवान ला ना छोटे से बच्चे के रूप में वो वाला सीन है। मैं भी झूला झूला रहा था संगवारी हो थोड़ा से। तो यहाँ पास पूतना या ताड़का पता नहीं बोला, हाँ तो पूतना ही होगी, पूतना के उद्धार का ऋषि वाला है यहाँ पे। यहाँ पास पूरा ऋषि मुनि बन के है, यहाँ पास कृष्ण भगवान अपन मित्र वंता सखा मन साथ रेस्ट करते हुए, यहाँ पास माखन चुराए वाला सीन है पूरा बचपन के, मतलब और बड़े हो तक के पूरा सीनरी है। दोनों साइड ना दिखा तो संगवारी हो आप मल्ला में, यहाँ पास कृष्ण लला के मूर्ति, बलराम और कृष्ण जी
कालिया नाग के उद्धार कर रहे थे ना, वो वाला सीन है यहाँ पास। कंस वध, मामा कंस के वध। और यहाँ पास रास लीला करते हुए कृष्ण जी, यहाँ पास ना वस्त्र, जब कृष्ण भगवान पूरा ना चीरहरण हमारे जी वस्त्र हरण हरे चीरहरण महाभारत में हरी से, यहाँ पास ना हाँ लीला हरे ना, यहाँ मतलब जब ना बाहर में मन बिना वस्त्र के नहा रहे थे ना गोपी मन, तो मतलब सबक सिखाए पर कृष्ण भगवान के सब कपड़ा ना पेड़ में टांग देते, वो अपन बोलते कि कभी भी बाहर में ना निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए, ऐसी कुछ सुने रहो मैं भागवत महापुराण में। एक नंबर बने हैं, गोल्डन टेम्पल नाम रखे हैं यहाँ पूरा का, जीवन के सार बताए गए, मतलब कृष्ण भगवान कृष्ण जीवन लीला यहाँ से निकल गए। अभी संगवारी हो, हमने यहाँ बहुत अच्छे से घूमे हैं, द्वारिका, भेड़ द्वारिका, गोल्डन टेम्पल, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो ये वाला रही से समुद्र के ए छोर से ओ छोर तक जाना, थोड़ा सा एडवेंचर भी है। लेकिन संगवारी हो, यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते उती दर्शन करे बर जाते, द्वारिका में जे मन भी आते हो मन यहाँ जरूर आते दर्शन करे बर, तो अगर आप मन भी हो तो यहाँ जरूर आना दर्शन करे बर भेड़ द्वारिका में। और हाँ संगवारी हो, आप मन अपन साथ चावल जरूर ला लेना, हमन ला तो पता रही से कि चावल चढ़ाए जाते, जैसे कि सुदामा जी हाँ अपन साथ कृष्ण भगवान ला भेंट में दे बर चावल ला रही ना, तो कुछ उसी प्रकार हमन भी अपन घर से चावल ला रहे हैं, यहाँ मिल भी जाते अगर आप मन नहीं ला हो तो, लेकिन अपन घर से लाना ज़्यादा अच्छा है, हम अल्लाह पता रही तो हम अल्लाह। तो अगर आप मन भी कभी भी आहू तो अपन साथ ला सकते हो चावल, और आप मल्ला यहाँ आके बहुत अच्छा लगी संगवारी हो। तो यहाँ पास हमन वापस आवा था वन, और यहाँ पास मैं सबको वीडियो कॉलिंग करके एक एक करके दिखा रहे हो, मम्मी और मोर बहनी मल्ला कितना खूबसूरत नज़ारा है देखो करके, तो मैं एक एक जना वीडियो कॉलिंग करके यहाँ पास दिखा रहा हूँ संगवारी हो, मन देखा रही से पारी हो कैंटीन हरे। और यहाँ पास हमन कुछ यहाँ पे कुछ भी खा सकते हो आप मन, हाँ अभी तो फिलहाल बंद हो गए कबर की, शाम हो गए वे, शाम हुआ थे मतलब, और देख सकते हो सबको ही घर जावा थे वे। सुबह कितना बजे से स्टार्ट होते? सुबह 7 बजे से स्टार्ट होते और शाम को मतलब 5 बजे से 7 बजे तक, लेकिन 7 बजे सब वापस आ जाते, तो समझ जाओ 7 बजे से पहले आना है आप मतलब 6:30 बजे है ना, 6:30 बजे है ना, तो हम भी मतलब अभी जाबो काबर की थोड़ा थोड़ा शाम होते, और हमारे मन के ट्रेन ना कल के हरे, तो हमन आज रुकबो थोड़ा से यहाँ और शाम को द्वारिका घूमबो, उसके बाद कल के ट्रेन से जाबो घर। सगवारी हो, हालत इतना ख़राब है देख सकते हो, बल्कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया साइड बने हुए हैं, इतना धूल, बाइक में हम ना बस वस नहीं छुए, लेकिन एकदम बहुत मज़ा भी यही से, लेकिन पूरा ना देखो ना पूरा चेहरा चिप 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 लगा थे, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना एकदम, बस भी चलते हैं पूरा काला कलर कर दे, धूल उड़ा थे यहाँ एकदम, जाके एक बार ना शावर लेल पड़ी लगा थे मतलब अच्छा स्नान पड़ी, ओकर बाद फिर द्वारिकाधीश मंदिर जाबो हमन हाँ सोचा था संगवारी हो, मंदिर में ना वहाँ कैमरा ले जाना तो अलाउड नहीं है, तो हो सकी तो बस ऐसी बाहर बाहर की वीडियो बना दूँ हम मतलब, और आप मन भी द्वारिकाधीश आके जरूर दर्शन करूँ, अपन खुद यहाँ आके दर्शन करूँ तो आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना, फुल मजा आ जाए, बहुत ही ज़्यादा मजा आ जाइए, तो मैं तो बोलूँ सजेशन दूँ कि आप मन खुद आओ और यहाँ के मस्त इंजॉय करो, उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो चलो अभी हमन चला था बाइक में, तो संगवारी अरे चलो चलता ना अभी बाइक में हमन, हाँ इतना बड़े पर्स पकड़ो अकला है, इतना सारा सामान पकड़ो अकला है ना, खाए पिए के एक तो अपना खास मेरा भी तो आता है मेरा, बस ऐसी डायलॉग मार मार के पूरा समय बीत गए, एक जबरदस्ती संगत करूँ इतना बड़े पर्स ला पकड़वा ले है, लेकिन कुछ खाइस नहीं है वे, अरे यहाँ भी बैठ के खा सकते हैं अभी तो क्या हो? नहीं अभी यहाँ बैठ के नहीं खान, चल चल था ना संगवारियों, अभी हमन जाथन द्वारिका, वहीं हमर मन के होटल में रूम बुक है, तो और फिर कल सुबह निकलबो अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर रायपुर के ट्रेन है हमर मन के, तो चलो हमर मन के स्टेशन अभी अहमदाबाद में आ चुके हैं, मतलब अहमदाबाद स्टेशन पे रुक चुके हैं, यहाँ से फिर से ट्रेन है हमर मन के रात को, और हालत थोड़ा सा ख़राब हो गई आवाज़ से समझ सकते हो अपन थोड़ा सा सर्दी। संगवारी हो, भेड़ द्वारिका से हमारे मन के ट्रेन अहमदाबाद तक रही से, अहमदाबाद से फिर रायपुर के ट्रेन रही से, लेकिन ट्रेन थोड़ा से लेट हो गई, तो हमन सोचें कि खाना वाना खा लेथन और थोड़ा से अहमदाबाद भी घूम लेथन,
लेकिन बिल्कुल भी नहीं घूम पान काबर की फुल एनर्जी चाहिए रही से और पूरा एनर्जी खत्म हो गई समर बन के। तो बस हमन खाना खाए बार होटल गए रहे हन, ओकर बाद होटल से घूम के सीधा ट्रेन रही सब ट्रेन में बैठ गए। तो आज के व्लॉग वीडियो कैसे लगी संगवारी हो जरूर कमेंट करके बताऊ आप मन। अगर अच्छा लगी तो लाइक कर दूँ, अगर चैनल में नया हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दूँ। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं दुलार बनाए रखूँ।